अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किचन विद मी, और आज हमारे किचन में बना है चॉकलेट पाई। बहुत यमी बनता है और बच्चों को बहुत पसंद आता है, और बच्चे इसकी स्पेशली फरमाइश करते हैं बनाने के लिए। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल में मैंने 2.5 कप मैदा ले लिया है। उसके अंदर 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, 1 टेबल स्पून शक्कर, 1 टेबल स्पून ड्राई यीस्ट, 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर, 3 टेबल स्पून ऑयल, 1 अंडा, 1 सबको डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने 1 कप दूध लिया है, इसको आहिस्ता आहिस्ता दूध डालते जाएंगे और इसको आटे की तरह गूंद लेंगे। अगर गूंधते वक्त हाथ में डो चुपके तो आप ऑयल लगा के गूंध सकते हैं, ताकि उसे आराम से गूंध जाता है। डो मैंने गूंध लिए, ये देखें इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए। ऊपर से हम इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे अच्छी तरह से। और इसको कवर कर देंगे और इसको 2 घंटे के लिए रख देंगे राइज होने के लिए किसी गर्म जगह पर। सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल ले लेंगे, उसके अंदर ये मैंने मेल्टेड डार्क चॉकलेट लिए, ये डाल देंगे। और ये मैंने काजू, बादाम और खजूरें लिए हैं, जिनको मैंने काट के मिक्स कर लिया है, ये इसमें डाल देंगे। और ये मैंने 6-7 बिस्किट लिए और उनके क्रम्स बना लिया, ये इसमें डाल देंगे। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इस तरह से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और फिलहाल मैं इसको साइड पे कर दूंगी। डो राइज हो चुकी है, अब हम इसको थोड़ा सा पंच कर लेंगे ताकि इसमें से एयर निकल जाए। थोड़ा मैदा डस्ट करेंगे, और एक रोटी बेल लेंगे हम इसकी। इस तरह से एक गोल रोटी बेल लेंगे हम। अब मैंने ये एक बेकिंग ट्रे ले ली है, मैं इसको ऑयल से ग्रीस कर लूँगी अच्छी तरह। अब मैं कोई भी बॉल या प्लेट लूँगी, अगर प्लेट हो तो प्लेट ले लें, उसको इस तरह से रख दूँगी ताकि एक सर्कल का निशान बन जाए, और फिर मैं इसे उठा लूँगी। अब मैं इसके चारों तरफ इस तरह से कट लगाऊंगी।
इस तरह से मैंने चारों तरफ इसके कट लगा लिए हैं। अब मैं इस तरह से एक उठाऊंगी और यूं रख दूंगी, और एक छोड़ के हम एक पीस उठाएंगे और क्रॉस में यूं रख देंगे, फिर ये उठाएंगे और ऐसे रख देंगे, फिर एक छोड़ के और ये पीस उठाएंगे और इस तरह रख देंगे, फिर हम इस तरह से रख देंगे, एक छोड़ देंगे और उठाकर इस तरह से रख देंगे, और इसी तरह से हम चारों तरफ बना लेंगे। इस तरह से हम चारों तरफ से पूरे नेट स्टाइल में बना लेंगे इसको। अब मैं इसे उठाकर बेकिंग ट्रे में रख दूंगी इस तरह से, और इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से सील कर देंगे। अब जो हमने चॉकलेट और बिस्किट के क्रम्स का और ड्राई फ्रूट का जो मिक्सचर बनाया था वो हम इसके ऊपर डालेंगे सेंटर में। और अच्छी तरह से इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे इस तरह से, इवनली स्प्रेड कर देंगे हम इसको। अब हम एक छोटी सी बॉल और बनाएंगे, मैदा डस्ट कर देंगे और इसकी छोटी सी रोटी एक और बेल लेंगे। इस तरह से हम ओवल शेप में बेल लेंगे और ये पिज़्ज़ा कटर लेंगे और इससे इसको स्ट्रिप्स में काट लेंगे। इस तरह से काट लेंगे हम इसको और इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे। इस तरह से एक साइड से लगा देंगे और फिर ऊपर से इस तरह से लगा देंगे। इस तरह से हम इसके ऊपर एक नेट सा बना देंगे। अब मैंने ये एक एग योक ली है, इसको मैं अच्छी तरह से फेंट लूँगी और इसको हम इसके ऊपर ब्रश कर देंगे। अंडे की जर्दी को हम इसके ऊपर चारों तरफ ब्रश कर देंगे अच्छी तरह से। हमने इसके ऊपर अच्छी तरह से एक ब्रश कर लिया है। अब मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर स्टैंड रख दिया और उसको अच्छी तरह से प्रीहीट कर लिया है। अब मैं ये बेकिंग ट्रे इसके अंदर रख दूँगी और इसे कवर कर देंगे और इसे बेक करने के लिए रख देंगे 30 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पर। ओवन में अगर आप करेंगे तो ओवन को आप पहले 180 सेल्सियस पर प्रीहीट करिएगा 5 मिनट्स के लिए, और फिर 180 सेल्सियस पर ही बेक कर देंगे हम उसे 30 मिनट्स के लिए। अभी 25 मिनट हुए हैं और 25 मिनट में मैं चेक कर लेती हूँ कि क्या हाल है इसका। 25 मिनट में चॉकलेट पाई बेक हो चुका है, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा सा बेक हुआ है। अब हम इसे निकाल लेंगे। तैयार है मज़ेदार चॉकलेट पाए, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। जितना ये देखने में अट्रैक्टिव लगता है उससे ज़्यादा ये खाने में डिलीशियस होता है। आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा, बच्चों को बहुत पसंद आएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा बना है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूँ आप तक आसानी से पहुँच जाएँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।